बिग बॉस 14 के इस कंटेस्टेंट की हरकत की वजह से शो पर पड़ा था बंद होने का खतरा। पॉलिटिकल पार्टी एमएनएस ने दिया था अल्टीमेटम, माफी मांगो वरना रोक देंगे शूटिंग। सलमान के शो पर आया था विवादों का साया, शो के बंद करने की धमकी से डरे मेकर्स, जारी किया माफीनामा। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। देश के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस का विवादों से पुराना नाता रहा है। इस रियलिटी शो को कई मौकों पर बैन करने की भी मांग उठाई गई है। अब इस सीजन को लेकर भी जबरदस्त बवाल शुरू हो गया है। मराठी भाषा को लेकर बिग बॉस को बंद करने की मांग हो रही है। एक कंटेस्टेंट को खुली धमकी तक दी जा रही है। दरअसल मंगलवार के एपिसोड में जान कुमार ने कह दिया था कि उन्हें मराठी भाषा से चिढ़ है, इसलिए उनसे हिंदी भाषा में ही बात की जाए। अब जो बयान बिग बॉस के घर में विवाद का विषय नहीं बना, उस बयान पर देश में राजनीति जमकर होने लगी है। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की तरफ से जान कुमार के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। एमएनएस की तरफ से फिल्म विभाग के अध्यक्ष अमय खोपकर ने जान कुमार सानू को खुली धमकी दे दी है। उन्हें कीड़ा कहा गया है, बोला गया है कि अब वो यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे। अमय की तरफ से कई ट्वीट्स किए गए हैं। एक ट्वीट में वो कह रहे हैं, जान कुमार सानू अगर 24 घंटे में माफी नहीं मांगते हैं तो बिग बॉस शो की शूटिंग नहीं होने दी जाएगी, और जान सानू को काम कैसे मिलता है आगे इसे भी हम देखेंगे। वहीं एक और ट्वीट पर अमय ने जान कुमार को पीटने की भी धमकी दे डाली है। ट्वीट में लिखा है, मैं देखता हूँ मुंबई में रहकर तेरा करियर कैसे बनता है, बहुत जल्दी तुझे भी चिढ़ होगी, हम मराठी तुझे पीटेंगे। वहीं अमय ने ये भी कहा है कि ऐसे बयानों की वजह से इन गद्दारों का असली चेहरा सामने आ जाता है। हम आपको बता दें कि इस विवाद पर महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी भी इंसान को उसकी भाषा में बोलने से नहीं रोका जा सकता है। वहीं शिवसेना नेता प्रताप सरनाइक ने भी जान कुमार सानू की कड़े शब्दों में निंदा की है। ट्वीट में लिखा है, बिग बॉस सीरीज की शूटिंग महाराष्ट्र में हुई थी, मराठी लोगों की वजह से टीआरपी बढ़ती है। अगर गायक कुमार सानू का बेटा, जिसने महाराष्ट्र में अपना करियर बनाया है, मराठी से नफरत और अपमान करता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर व्यूअर्स, हम आपको बता दें कि बिग बॉस के मेकर्स और ब्रॉडकास्टिंग चैनल कलर्स इन सब धमकियों से डर गई है, और इसलिए उन्होंने जारी किया है एक स्टेटमेंट जहां उन्होंने माफी मांगी है। सो व्यूअर्स, क्या कहना है आपका इस खबर को लेकर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, और देखते रहिए टेली मसाला।